गाजीपुर अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पहुंचा गाजीपुर जेल। खबर गाजीपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से गाजीपुर जेल लाया गया है। बुधवार को सुबह करीब 9 बजे अब्बास को लाया गया। अब्बास अंसारी को जिला जेल के बैरक नंबर 10 में रखा गया है। जिला जेल से अब्बास अंसारी को मुहम्मदाबाद ले जाया जाएगा, जहां वह अपने पिता अब्बास अंसारी के फातिहा पढ़े जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब्बास अंसारी को बैरक नंबर 10 में रखा गया है। ये वही बैरक है जिसमें गाजीपुर जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को रखा गया था। बताते चले कि 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट से सजा होने के बाद अब्बास अंसारी के चाचा और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी बैरक नंबर 10 में ही रखा गया था। अफजाल अंसारी वर्तमान में गाजीपुर से सांसद है। सजा होने के बाद उनकी संसद सदस्यता को लोकसभा सचिवालय ने निरस्त कर दिया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सांस भी बहाल हुई है। फिलहाल वह 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बैरक नंबर 10 गाजीपुर के हाई सिक्योरिटी बैरक है। इसमें हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में बैरक नंबर 10 में सिक्योरिटी तैनात की गई है। बताते चले कि कासगंज जेल से पहले अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में बंद रखा गया था, लेकिन नियमों के अनदेखी कर अपनी पत्नी निखत अंसारी से मिलने का मामला प्रकाश में आने के बाद उन्हें कासगंज जेल शिफ्ट किया गया था। अब्बास अंसारी पर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के साथ ही शूटिंग खेल के लिए बनवाए गए लाइसेंस के दुरुपयोग का आरोप है। वर्तमान में अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए थे। सर, मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल से गाजीपुर जिला जेल में शिफ्ट किया गया है और अपने पिता के कब्र पे फातिहा पढ़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और क्या बताएंगे, क्या कार्यक्रम है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आज सुबह करीब 8:57 पे बंदी अब्बास अंसारी जिला जेल गाजीपुर में दाखिल हुआ। जो आज का कार्यक्रम है वो दिन में कुछ दुआ हवानी और उसके बाद शाम को मगरिब की नमाज और फातिहे का है। तो उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसके अनुसार उसका अनुपालन अच्छे से कराते हुए उसमें प्रतिभाग पुलिस कस्टडी में करेगा। सर, तीन दिनों में क्या क्या रहेगा और कैसे, मतलब रात में जेल में बिताएगा या कैसे? हाँ, उसके बाद ये निर्देश है कि आज 10 तारीख में जो भी कार्यक्रम होंगे उसके बाद इन्हें जिला जेल गाजीपुर में रखा जाएगा। 11-12 में अगर कोई रिचुअल होंगे वो जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को दी है कि अगर वो बताते हैं कि कोई रिचुअल है तो उसे वेरीफाई किया जाएगा। क्या ऐसा कोई रिचुअल होता है? अगर रिचुअल होता है तो उसमें प्रतिभाग करेंगे, नहीं होता है तो वो ये उन्हें सुविधा दी गई है कि वो अपने परिजनों से और जो अन्य सगे संबंधी हैं उनसे मिल सकते हैं। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसके अनुरूप 11 और 12 में वो अपने परिजनों से और जो इष्टजन है उनसे मिल सकते हैं। क्या सर, ये जेल में ही मिलेंगे कि अपने घर पे जाकर? अगर कोई कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि ये जेल में स्थापित रहेंगे तो वहीं मिलेंगे। ठीक सर।